मोदी की लेके घूम रहे लोग भगवान के, लेकिन आप मोदी का लेके। अभी कलयुग में मोदी जी और योगी जी भगवान श्री राम के स्वरूप है। राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए और देश हित के लिए क्या है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान के दर्जे के लायक होते। इतना उत्साह है हम लोगों के अंदर कि हमने परम श्री राम का आशीर्वाद लिया, उनका दर्शन किया है, उसके पश्चात मेरे अंदर एक नए ऊर्जा का संचार हुआ है। अयोध्या में कई प्रकार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ एक भाई है, दिल्ली से साइकिल से आए हैं, और मोदी की जो फोटो जो लगाई हुई, स्टिच लगाया पूरा, आप देख सकते हैं आगे भी फोटो, पीछे भी फोटो, और खुद भगवान रंग में रंगे जय श्री राम के जो है, उन्होंने एक लिखा भी हुआ जय श्री राम। भाई मोदी की लेके घूम रहे लोग भगवान के, लेकिन आप मोदी का लेके घूम। अभी कलयुग में मोदी जी और योगी जी भगवान श्री राम के स्वरूप है। जिस तरह से इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए और देश हित के लिए किया है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान के दर्जे के लायक होते हैं, ऐसे व्यक्ति पूजनीय होते हैं। और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आप देख सकते हैं किस तरह उत्तर प्रदेश और देश में शांति व्यवस्था है। आज हमारा भारत सशक्त और समृद्ध और मजबूत भारत है, तो इसका श्रेय किसी को जाता है तो मोदी जी, और मोदी जी को मैं नायक के रूप में देख रहा हूँ, और इसलिए मैं इनके विचारों के को प्रेरणा स्रोत मानते हुए देश के आगे की ओर अपना योगदान दे रहा हूँ। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कब चले हो दिल्ली से? दिल्ली से मैं 10 तारीख को चला था। मैं देख रहा हूँ कई राउंड लगा चुके हैं आप पूरा। अभी जो है कि इतना उत्साह है हम लोगों के अंदर क्योंकि हमने परम श्री राम का आशीर्वाद लिया है, उनका दर्शन किया है, उसके पश्चात मेरे अंदर एक नए ऊर्जा का संचार हुआ है, जो हम उसको देश निर्माण और समाज कल्याण में नरेंद्र मोदी और योगी जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए देश निर्माण में अपना योगदान दे रहा चाहते हैं जी। और मोदी जी और योगी जी का इस देश के लिए होना बहुत जरूरी है। इनके नेतृत्व में ही भारत का विकास होगा। भारत आने वाले समय में विश्व के पहले पायदान पे पाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये कार सेवकों के सम्मान में भी वो दिन हम याद करके पूरे विवरण के साथ चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे कार सेवकों ने मंदिर के लिए जान दी, गोलियां खाई, जो जेल गए उनके सम्मान में हम उनको हमेशा याद रखेंगे। कार सेवक हमारे लिए पूजनीय है, देवतुल है, देव पुरुष है। तो आज की युवाओं को हम ये बता रहे हैं कि कैसे हमारे कार सेवकों ने मंदिर की लड़ाई के लिए अपनी जान तक दे दी। बिल्कुल इनका अपना मानना है, ये दिल्ली से साइकिल पे आए हैं, मोदी के इन्होंने तस्वीर लगाई हुई है, इनके अपने विचार है। इन्होंने बोला कि जो कुर्बानी दिया है मंदिर बनने में, जो उनकी तस्वीरें लेके वो घूम रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम उनकी जो फोटो, लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी शहीदी दी है। कैमरामैन गुरप्रीत के साथ संजीव राजपूत, दशमन न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।